बहुत बड़ा जख्म था, वो टिकट था रात में उसका लगभग नहीं इतना देर से निकल था, वो टिकट तो बहुत हो गया साल दो साल से था। अच्छा, हाथ मेरा कट रहा था तो कैंसिल माने आपने कहा मेरा देखने कोई जरूरत नहीं, हम दवाई देंगे और दवाई से मेरा ठीक हुआ। 10 दिन में मेरा क्लियर हो गया और जितना शरीर का कीड़ा था वो मनु की इतना भी निकला हम कह नहीं सकते, उसमें हार्ट अटैक कर गया। आज अभी कितना परसेंट ठीक मान रहे हैं, 100 में कितना परसेंट ठीक मान रहे हैं? 99% है वो जिसका। आप कितना पैसा खर्च कर चुके हैं इससे बाहर? लमसम हमने 3.5 लाख रूपये बर्बाद। अच्छा, 3 लाख रूपये बर्बाद, हम जोड़ के बताए हम तो बर्बाद हो चुके। अभी भी खेत मेरा बंधक धरा चुका जी जी, करीब 1.5 बीघा जमीन था, टोटल जमीन बंधक धरा गया। जोतने 3 साल से था। कहाँ इलाज करवाए थे पहले? पहले तो कराए थे गया में, गया में कराए तो सही से नहीं हुआ। ठीक है, उसमें 60,000 रूपए लगा। इसमें 60,000 रूपया लगा। ठीक है, फिर कौन कराए दोबारा कराए? टेटुआ बोलता है जहाँ डॉक्टर संजीत कुमार, डॉक्टर संजीत कुमार के कराए। अच्छा, तो यहाँ पे कराए तो नहीं सक्सेस किया, वहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कहाँ गए? इसके बाद पटना गए। अच्छा, पटना गए उसके बाद होम्योपैथी खाया। अच्छा, तो पटना पे गए ना, तो पटना बहुत पैसा। आइए, इनके गार्जियन से मिलते हैं, बात करते हैं। उसके बाद हमने, ये आपका बच्चे हैं? हाँ, मेरा बच्चे। बताइए, हम तो परेशान हो गए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा उपेंद्र पासवान नाम। कहाँ के रहने वाले हुए? मेरा रहने वाले जेठियल पोस्ट ऑफिस जी जी, ग्राम भलुआ जी जी, थाना त्री जिला गया के रहने वाले हैं। अच्छा, हम ऐसे पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। और हमने सर, हमको लिया भगवान मिले, मैंने एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी तक कोई ऐसा जगह नहीं था जो मेरा खाली रहा। मैंने बोध गया तक गया जी जी, मैंने मैगन मेडिकल तक गया जी, उसके बाद मैंने टनकुप्पा गए जी, वहां से रिटर्न हो गए। फिर लोग बताया कि पैसे के बाद दौलत इलाज में इलाज नहीं करा रहा। मैंने फिर महावीर कैंसर वार्ड में गए जी, महावीर कैंसर वार्ड में मेरा 3 महीना रखा करीब जी। 2 बार मैंने सीटी स्कैन कराया, 2 बार बोन स्कैन कराया, उसके बाद सारी रिपोर्ट आया। फिर जो डॉक्टर साहब था, मेन उनका डॉक्टर था जी जी, वो बोले कि कल इनका ऑपरेशन हो जाएगा जी। फिर कल ऑपरेशन हुआ, फिर टेस्ट लिया गया, कोरोना जांच कराया, फिर दूसरी दिन हुआ कि नहीं इसका हाथ काटे पड़ेगा। हाथ काटने की बात आया तो हम लोग तो रो गए। उसके बाद एक डॉक्टर मिला पासवान, जिसका घर खुखड़ी है, नर्सिंग होम गया हम चलाते, वो बोला कि मेरा किले में चला हूँ, मैंने ठीक कर दिया। रात भर में 6,000 रूपया कुछ नहीं काम किया। सुबह मैंने फिर पटना पहुंचे पोस्ट ऑफिस छोड़कर, वहाँ जब गए तो बोला कि जी हाथ तो काटना पड़ेगा, आप तो कुटुम्ब नाता है, हम क्या करें, मजबूरी है। हम कभी हाथे जब कटवाना था तो हम आप तक क्यों आए जी? वहाँ से हम फिर एम्स में चले गए जो इंदिरा हॉस्पिटल है जी जी, वहाँ कोरोना चलते मेरा ट्रीटमेंट नहीं। फिर मैं महावीर कैंसर वार्ड गया, फिर चेक करवाया, फिर बोला हाथ काटना पड़ेगा, कोबरा कुछ होता है वो चढ़ाना पड़ेगा, मर भी सकता है बच भी सकता है जी, उसका जिम्मेदारी नहीं है। सोनू जी मेरा एक परिवार, हमारा सोनू जी मेरा परिवार के नाते है, मेरा मनोभव नाती है, मानिए ये हमको इससे पहले बोले थे, इतना कहला पहले कि नाना आप चल आइए जहानाबाद में एक डॉक्टर है। हमने उस समय विश्वास नहीं किया, अरे यार समुचे जगह ठग गए तो सोनू जी तो क्या ही डॉक्टर साहब कह रहा है। लेकिन जब सबसे हार गए फिर सोनू जी को हम पकड़े, हम सबसे थक गए, अब मेरा कोई उपाय नहीं, अब सोनू जी मार में अब चाहते उन्हीं शरण गिरे। मैंने इसके शरण गिरे, रात भर खाना भी खाया घूम करके। आपसे भी विनती की है भगवान आप मेरा मिले, लेकिन आप कहे मैं भगवान नहीं हूँ, आपकी दवा ही भगवान। देखिए ये हम हुए जो मेरे बारे में सर बता रहे हैं और भी कुछ जानते हैं तो बताइए कि उसके बाद फिर आप इलाज कहाँ करवाए? उसके बाद हम आप तो इलाज करवाए। अच्छा, मेरे पास आए आप तो इलाज करवाए, सोनू जी का रात भर रही बेचारा एक खुराक दवा खिलाया और कहा नाना इसके दवाई आप खिला दिए बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं जी जी। फिर हम पहले, आप कितना पैसा खर्च कर चुके हैं इससे बाहर? लमसम हमने 3.5 लाख रूपये बर्बाद। अच्छा, 3 लाख रूपये बर्बाद, हम जोड़ के बताए हम तो बर्बाद हो चुके। अभी भी खेत मेरा बंधक धरा चुका जी जी, करीब 1.5 बीघा जमीन था, टोटल जमीन बंधक धरा गया, जोतने लायक खेत मेरे पास नहीं था। और हमने सोचे कि खेत भी चला गया, बेटा भी नहीं बचा, लेकिन आप तो भगवान मिले कि मेरा बचा। चलिए बहुत अच्छी बात है। इनका क्या क्या दवा चल रहा है अभी? अभी तो दवा चल रहा है जिसका नाम हम नहीं जाने, मेरे पास पुर्जा। चलिए, हाँ, इनके पास पुर्जा बताइए, पुर्जा दिखाइए, कौन कौन से दवा चल रहा है बताइए। दवा तो सर हमको सेट कर गया 10 दिन में। अच्छा, आप बोले थे कि लमसम 1 महीना तक हमको नहीं खोजिएगा, लेकिन हम आपको 10 मिनट में
यही आपका पुर्जा है जी। बताइए कौन कौन सी दावा इसमें आप चलाए हैं, समझे कि नहीं? चलिए बोलिए, पढ़ के बताइए कौन कौन सी दावा इसमें इनको चला है। मेरा सुनो, इनका स्लीपियस बेलनेस का इमोनोडोग, थंडरलार्ज, नोनी, क्लोरोडोग, तुलसी चला है और 10 दिन में दम रिजल्ट जबरदस्त आया है। 10 दिन में मेरा कल्याण हुआ, 10 दिन में हम आपको खुश खबरी दिए सोनू से जी जी, कि सोनू हम बहुत खुश है तुम्हारा। और इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, जब ठीक हो जाएंगे बिल्कुल जी, 3 महीना में तो आपको हम पैंट शर्ट पहनाने काम। चलिए कोई बात नहीं, आप ये मुझे बताइए कि जब फीस नहीं आपकी तिल्लत हुई। चलिए ठीक है, आप ये मुझे बताइए कि जब ये दवा इतना अच्छा काम कर रहा है तो और भी लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, दवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपना क्षेत्र में अतिरिक्त प्रखंड अतिरिक्त थाना में हम ये बता दिए कि भगवान एगो है तो जहानाबाद में है, ऐसे पोस्ट मास्टर मेरा जहानाबाद से जाते हैं चौधरी जी, उनको हम बता दिए। और हम कहे कि दुनिया का कोई कोना नहीं कम से, हम बोले कि दवा नहीं जखम नहीं उसको कैंसर माने, हम कुछ नहीं जानते हैं। कैंसर से हाथ मेरा कट रहा था तो कैंसर माने, आपने कहे मेरा देखने कोई जरूरत नहीं, हम दवाई देंगे और दवाई से मेरा ठीक हुआ। 10 दिन में मेरा क्लियर हो गया और जितना शरीर का कीड़ा था वो मनु की इतना में निकला, हम कह नहीं सकते, उसमें हार्ट अटैक कर गया। आज अभी कितना परसेंट ठीक मान रहे हैं, 100 में कितना परसेंट ठीक मान रहे हैं? 99% है, जिसका भगवान नहीं साथ देगा उसको कोई नहीं बचा रहा। चलिए बहुत अच्छा है। ये इनका बेटा हुए, इन्हीं का प्रॉब्लम था, ये पेशेंट है और इन्हीं का कैंसर हो चुका था। आज थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारा सिस्टम, हमारा दावा AWPL स्लीपियस वेलनेस को, जो इतना शानदार दावा बना और आज इस दावा की वजह से बहुत सारे लोगों को जिंदगी बच रहा है। आपके सामने बहुत सारा टेस्टिमनी है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं सर, आप भगवान हैं, थैंक यू आप कहिएगा, हम नहीं। चलिए ठीक है।